इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। आज सिंधी समाज द्वारा हरमंदिर साहिब आने वाली संगत के लिए सराय का नींव पत्थर रखा गया। सिंधी समाज द्वारा पांच प्यारों की अगुवाई में सराय का नींव पत्थर रखा गया। इस सराय का नाम गुरु नानक साहिब जी के नाम पर रखा गया और ये सराय सुल्तान पिंड के अंतर्गत लक्कड़ मंडी में बनाई जा रही है। श्री हरमंदिर साहिब आने वाली संगत के लिए आगे कई सराय बनाई गई है और एक नई बनाई जा रही है, जिसमें भी सभी सुख सुविधाएं संगत के लिए होंगी। आज 8वीं पातशाही गुरु हरकिशन जी के जन्मदिन पर इस सराय का निर्माण कराया जा रहा है। आज एडिशनल हेड ग्रंथी ज्ञान मलकीत सिंह जी द्वारा नींव पत्थर रखा गया और सुखलीन साहिब के पाठ भी करवाए गए। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और इस सराय बनने के अवसर पर अपनी हाजिरी लगवाई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन रामदास गुर, जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजन हारे धारिया। डिठे सभे थाव नहीं तुद जिहिया, बद्धो पुरख बिधाते तां तू सोहिया, ऐसे दीन दयाल सतगुरु। धन धन श्री गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह महाराज की वसाई होई पावन पवित्र नगरी श्री दरबार साहब सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी के दर्शन इशनान करन वालियां करन आउण वालियां संगतां दे वास्ते, रहन बसेरा रहायश वास्ते, जिथे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अते वख वख संस्थावां वल्लों पहलां ही बहुत सरावां होटल खुले होए हन, उत्थे सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने जो सिंधियां दी संस्था बाबा थारा सिंह जी अते उन्हां दे सेवादार बॉम्बे तों ग्वालियर तों वख वख शहरां तों राजकोट तों भाई हरी सिंह जी मलेरकोटले तों लखनऊ तों इत्यादिक विश्व भर दीआं संगतां वल्लों सिंधी समाज वल्लों विशेष करके ते गुरु नानक नाम लेवा समूह संगतां वल्लों सो सुल्तानविंड गेट दे अंदर लक्कड़ मंडी विखे अज पंज प्यारे साहिबान श्री अकाल तख्त साहिब अते संतां महापुरशां सिख संगतां दे सहयोग सदका बहुत भारी गुरमत समागम होया। सुखमनी साहिब जी दे पाठ उपरंत इलाही बाणी दे कीर्तन होए अते सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज दे चरणां विच अरदास बेनती करके गुरु नानक साहिब धर्मशाला दा नींह पत्थर रख्या गया। सो इस धर्मशाला दी उसारी मुकम्मल होण ते बाहरों आईआं संगतां वास्ते देश विदेश दे कोने कोने तों आउण वालीआं संगतां वास्ते इन्हां सेवादारां दा मन दा फुरना है कि असीं सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज दे घर आउण वालीआं संगतां दे रहिण बसेरे दी हर तरह की सेवा कर सकीए। सो सारी संगत जिथे हाजरी भर रही है उत्थे ये वीडियो दे राही दर्शन करन वालीआं संगतां नूं बेनती है कि भाई सारे अरदास करो कि गुरु नानक पातशाह महाराज दे घर आउण वालीआं संगतां गुरु रामदास महाराज दे घर आउण वालीआं संगतां वास्ते वध तों वध सहूलतां सुविधा जो ऐसे रब दे प्यारिआं दे मन विच फुरने आए होर भी संगतां ते सारे उत्साह दे नाल करन तां कि गुरु नानक पातशाह महाराज दा जिहड़ा पैगाम है कि घर घर अंदर धर्मसाल होवै कीर्तन सदा विसोवा, समुचे विश्व दे अंदर गुरु नानक पातशाह महाराज दी पावन बाणी दा जो ज्ञान है वह फैल सके। सो ऐसे मुबारक दिहाड़े ते जिथे श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस रिठे सब दुख जाए, धन धन साहब सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जिन्हां दा प्रकाश पुरब भी है, ये बड़ा पवित्र दिहाड़ा चुनिया गया। सो सतगुरु साहब जी दे प्रकाश पुरब दीआं नवीं धर्मशाला दी उसारी नींह रखण दीआं समुचियां संगतां नूं बहुत बहुत वधाईआं। समुचे महापुरशां वल्लों पंज प्यारे साहिबान श्री अकाल तख्त साहिब ते समुची संगत वल्लों वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री हर कृष्ण ध्याई जिस डिठै सब दुख जाए, बाला प्रीतम सतगुरु अष्टम बलबीरा सतगुरु साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज जी का पावन प्रकाश, सतवें पातशाह साहिब श्री गुरु हर साहब जी महाराज जी के ग्रह विखे माता कृष्ण कौर जी की पावन कुख तो श्री कीरतपुर साहब जी विखे होया। सतगुरु पांच साल की उम्र में गुरु नानक देव जी महाराज जी की पावन पवित्र गद्दी के मालिक बने और तीन साल के करीब गुरगद्दी ते विराजमान रहे, जिस अरसे सतगुरां ने
बहुत वड्डे परम करन वालियां दे परम दूर कीते, बहुत महान कार्ज सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज जी ने कीते। सानू एक जीवन जाच सतगुरां ने बख्शिश की, मनुखता दे लुकाई दे भले वास्ते धन सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज जी ने कार्ज किए, और सानू रहत मर्यादा मुताबक जिहड़ा जीवन जीवन दा जिहड़ा फलसफा सी ओह सतगुरां ने सिखाया। सतगुरां दा पावन प्रकाश पुरब समुचे संसार भर में गुरु नानक नाम लेवा संगत बहुत ही चढ़ती कला और शरदा सत्कार सहित मना रही है, और सतगुरां दे फलसफे दे अनुसार गुरबाणी दे आछे दे अनुसार अपने जीवन नूं जीवण दा असीं सारे यतन करिए। अमृतधारी होइए, अमृतधारी हो के गुरु वाले बन के अपने जीवन नूं बसर करन दा जीवन नूं सफल करन दा यतन करिए। संसार भर विच वसदियां होईयां समुच्चियां गुरु नानक नाम लेवा संगतां नूं अठवें पातशाह सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज जी के पावन प्रकाश पुरब दियां बहुत बहुत मुबारकां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।